सेवा यज्ञ में जुटे विद्या भारती पूर्वोत्तर क्षेत्र के कार्यकर्ता, पूरा विश्व कोरोना वायरस महामारी से ग्रस्त है, भारत में भी कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। हाल ही में आए आंकड़ों के अनुसार पूर्वोत्तर में कोरोना वायरस बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रहा है। विद्या भारती की योजना से संचालित विद्यालय लॉकडाउन के प्रारंभ होने के साथ ही सामाजिक सहायता के लिए आगे आए हैं। पूर्वोत्तर के विभिन्न प्रांतों में विद्यालय के आचार्य व कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व छात्र भी सामाजिक सहायता के लिए स्थानीय स्तर पर सहयोग प्रदान किए हैं। अब तक विद्या भारती पूर्वोत्तर क्षेत्र के कार्यालय में प्राप्त जानकारी के अनुसार 189 विद्यालयों ने सेवा कार्य किया है। 19,580 लोगों को राहत सामग्री के रूप में सहायता प्रदान की जा चुकी है। 3,750 मास्क तथा 3,262 सैनिटाइजर बोतल भी वितरित विद्या भारती की तरफ से किया गया है। 1,459 कार्यकर्ता सहायता व सेवा कार्य में सम्मिलित हुए हैं। इसके साथ ही 1,126 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई है। प्रधानमंत्री केयर फंड व मुख्यमंत्री सहायता कोषों में 12,75,609 रुपये कोरोना से बचाव कार्य हेतु जमा किए गए हैं। लॉकडाउन के चलते विद्या भारती के 372 विद्यालयों के द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया गया, जिनमें 26,562 विद्यार्थी सम्मिलित हो रहे हैं। विद्यालयों के द्वारा ग्रामों में सामाजिक जागरण भी विभिन्न माध्यमों से किया गया। असम में आध्यात्मिक शक्ति के जागरण के लिए भागवत वंदना का आयोजन भी किया गया, जिसमें 1,50,000 परिवार सम्मिलित हुआ। ऑनलाइन वंदना कक्षाओं के साथ टेस्ट व विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी छात्र छात्राओं के लिए किया गया। विद्या भारती के द्वारा संचालित विद्यालय में आचार्य न्यूनतम मानदेय लेकर भी सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए सेवा कार्य करते हैं। वर्तमान परिस्थिति में लगभग 200 विद्यालयों के 6,000 आचार्यों के मानधन की व्यवस्था चुनौतीपूर्ण है। पिछड़े अंचल के इन विद्यालयों के अभिभावकों की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। विद्या भारती के अधिकतर विद्यालय सामाजिक सहयोग से ही चलते हैं, फिर भी इन अभावों की चिंता किए बिना ही आवश्यकता पड़ने पर आचार्य व कार्यकर्ता समाज के लिए उठ खड़े होते हैं। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम हेडलाइंस न्यूज़।